अगर एक बार कोई किसी औरत के मांग में सेंदूर डाल दिया तो उसका वैल्यू है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और ये कानूनन इसकी पत्नी है क्योंकि उसने शादी किया है, शादी जैसे भी हो। अच्छा, इनको रख के जा रहे हैं, इनकी ननद जो है बहुत ज्यादा ही, देखिए अगर इसके साथ कुछ भी होता है, मारपीट गाली गलौज किसी तरह का प्रताड़ना होता है, तो यहाँ आपके सरपंच जी नहीं है क्या? गांव के सरपंच जी को बुलाइए तो, और मुखिया जी को बुलाइए। मुखिया जी कहाँ है बुलाइए। हाँ हाँ सही बात है, देखिए मैं बाय मिस्टेक कर रही थी। अच्छा। मुझे मुखिया सरपंच के साथ मिलकर और इनको यहाँ रखवा के जाना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे कि लड़की को कुछ भी किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। आप दे रही है यानी चाची को लगता होगा कि एक बेटा है क्या, ये एकलौता बेटा है। देखिए चाची को लग रहा होगा कि बेटी को तो कभी भी भगा देंगे, अगर ये लड़का का घर नहीं बसने दिए तो कल आने वाले संपत्ति में बहन को आधा हिस्सा मिल जाएगा, आधा चाची को मिल जाएगा। दूसरा शादी करेंगे नहीं, माँ माँ होती है, अभी तो माँ सामने ही नहीं आई है। माँ को तो इससे बस एक ही शिकायत होगा कि धूमधाम से शादी करने का ये लोग मौका नहीं दी, क्योंकि माँ देखिए माँ माँ होती है, कर ले वही चीज है कि कर। तो एक प्यार कर रहा था, शादी कर रहा था, नहीं समझ में आपके चैनल के माध्यम से एक समाज को हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी शादीशुदा बेटी यदि वो मायके में जरूरत से ज्यादा रह जाएगी तो उस घर में भाभी को नहीं बसने देगी। और एक अच्छी बेटी कभी भी वो मायके में फालतू के रहेगी ही नहीं, वो दुख तकलीफ सह कर लेकिन अपने पति के साथ। वजह है उनको लोभ है तभी तो। हाँ कहीं ना कहीं कुछ लोभ होता है चाहे जिस चीज का हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी ननद का बहुत इस केस में दोष देखा जा रहा है। अभी तो सासू माँ से मुलाकात नहीं हुई है, ना इनके पति से हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ के जो तभी अभी को बोल रहे थे, आइए इधर थोड़ा आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना बड़ी मम्मी से ले लीजिए, आइए ना आइए ना, नहीं आप कुछ बोल रहे थे, आइए ना। हाँ ठीक है, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं आंटी, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए आइए, थोड़ा इधर आइए, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो बात है जब तक सच्चाई नहीं बताइएगा कैसे पता चलेगा। हाँ। हो लेने छे सच्चाई की बहुत सारी लड़की है, ऐसे लगाई है आपको जवाब देती हूँ। एक पति पत्नी जब अकेले रूम में प्रेम प्रसंग करते हैं तो उनके घर में बच्चा आता है, तो वो भी आपको बता के करेगा क्या? आप साबित करेंगे आपका बच्चा रोड चलते प्रेम करेगा और उसके बाद आप नकार दीजिएगा, आप नकार दीजिएगा अपने बच्चा को संस्कार सिखाइए। दोबारा इस लड़की को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, अगर कोई भी टॉर्चर इसको किए और बदतमीजी किए तो आप लोग सबका चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है, और जो गलत बयान दे रहे हैं वही फंसी है, समझ गए ना? चलो जाइएगा, आने वाले समय में अगर गलती करिएगा तो जेल में जाइएगा, अगर इसको गलत कुछ कर दिए तो जेल जाइएगा, याद रखिएगा। इसलिए औरत है, औरत हो के औरत के भावना के साथ मत खेलिए, समझ गए ना? एक लड़का प्रेम करके शादी कर लिया, कर दीजिए शादी, आप लोग सामूहिक करिए शादी, कहने न कर ले रहा। आपसे पूछ पूछ के आपका बेटा सब कुछ करता है, अभी आपका बेटा बाहर में क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है क्या? जो फालतू का गलत गलत बयान दे रही है, शादी नहीं किया है, शादी कर क्या देख ले छौ, क्या देख ले छौ, प्यार करेगा तो क्या देख ले छौ, फिर कल इसका भोज कर लीजिएगा, बिना गलती बिना शादी कर कल बच्चे की माँ बनेगी, कल बच्चे की माँ बनेगी तो बोलिएगा कि क्या देख ले छौ, अभी बच्चे की माँ, हटाओ उधर, कंट्रोल हो जाइए, निकलिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, नहीं तो साइड चले जाइए। चाचिया सास हो के आप क्यों इस घर में इंटरफेयर करने आई है? आपका क्या इस घर के आप मलकिनी है? चाचिया सास है, अपनी दायरा में रहिए, चुप रहिए और बोलिए तो अच्छा। अगर आपको नहीं रखना ना जाइए, आप बाहर जाइए, जाइए जाइए, मीडिया में नहीं आना है तो रखिए, बहुत बदतमीज। देखिए वो ये है किसी के बहकावा में ननद का दिमाग चलता होगा। चाची और भतीजी, यहाँ चाची भतीजी का जो मिक्सिंग है ना जबरदस्त है। कहीं लग रहा है कि मतलब लड़का को माँ बेटी सब मिलके ना उनको दबाव बना दबाव ये चाची दबाव दे रही है, यानी चाची को लगता होगा कि एक बेटा है क्या ये,
एकलौता बेटा है, देखिए चाची को लग रहा होगा कि बेटी को तो कभी भी भगा देंगे, अगर ये लड़का का घर नहीं बसने दिए तो कल आने वाले संपत्ति में बहन को आधा हिस्सा मिल जाएगा, आधा चाची को मिल जाएगा। दूसरा शादी करेंगे नहीं, माँ माँ होती है, अभी तो माँ सामने ही नहीं आई है। माँ को तो इससे बस एक ही शिकायत होगा कि धूमधाम से शादी करने का ये लोग मौका नहीं दी, क्योंकि माँ देखिए माँ माँ होती है, कर ले वही चीज है कि कर ले, लेकिन माँ देखिए माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती है। और मैं बिना माँ से मिले हुए इस बात को नहीं कर सकती हूँ कि कोई माँ गलत हो सकती है। इधर आइए आप थोड़ा, उसको तकलीफ भी होगा तो बस वो बराती नहीं बेटा। आप यहाँ रहना चाहते हैं? लव मैरिज शादी किया। अच्छा इधर आ जाइए, इधर लाइट का थोड़ा। आप यहाँ रहना चाहते हैं? यस सर। हाँ। वो लड़का रखना चाहता है? नहीं चाहता है तो जाने, हम यहीं रहेंगे। उनके ऊपर कोई शिकायत, आपका कोई आरोप उनके ऊपर, लड़का के ऊपर? लड़का के ऊपर क्या, यही सब देखे ना, अभी उसका बहन को देखे, चाची को देखे, उसका माँ को देखे, वो सब मिलके उसको चढ़ाता बढ़ाता है नहीं रखने के लिए। वो सब वही सब के बाद पे वो भी बोलता है नहीं रखेंगे, पहले बोलता था रखेंगे लाएंगे, अब बोलता है नहीं लाएंगे। कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गया, बहन कुछ नाटक करती होगी, देख भाई उसको रखा तो अपना एक, जान दे देंगे, एक चीज कोई भी नौटंकी घर के चार दीवारी में करती होगी। अच्छा भाई सोचता होगा कि पहले बहन है, क्योंकि बचपन से साथ साथ खेला पड़ा बड़ा है। अच्छा तो अच्छा मैडम एक चीज बताइए, मैडम एक चीज बताइए ना। अच्छा इस तरह की लड़की के लिए एक सवाल खड़ा नहीं होता है, बंद कमरे के अंदर सिंदूर लगा लेना, शादी कर लेना, क्या इस पे सवाल नहीं होता है? देखिए एक लड़की पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो ये एक कोई भी लड़का लड़की का शादी होता है तो एक लड़की कसूरवार नहीं होती है, लड़का लड़की दोनों कसूरवार होता है, कोर्ट में होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन देखिए एक कहावत है कि प्रेम एक ऐसा जुनून होता है कि जिसमें क्या कहा जाता है, प्रेम न पूछे जात कुजात और प्रेम न क्या पूछे। हाँ देखिए सर 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 बता, प्रेम न जाने जात कुजात, भूख न जाने झूठा बात, नींद न जाने टूटी खात, और प्यास न जाने धोबी धोबी घाट। ये इस तरह के कहावत मुहावरे पहले जमाने से ही चली आ रही है। तो प्रेम में अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं और प्रेम में वो भूल जाते हैं कि जब प्रेम प्रसंग में शादी करेंगे तो उसका तमाशा क्या फैमिली में होने वाला है। समझ गए ना, कभी तो यहाँ गलती है ना। देखिए लड़की लड़का दोनों का गलती है, दोनों का ना, मैं लड़की को दोषी एक्स्ट्रा कह सकती हूँ ना लड़का को, दोनों है, लड़का लड़की दोनों दोनों के गलती, दोनों का गलती है, दोनों का सहयोग से ना हुआ, दोनों के सहयोग से हुआ है। नहीं इसको हम माफ कर सकते हैं इस चीज के लिए, ना उसको कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज में जो प्रेम प्रसंग का जो गंदगी फैल रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरह के युवा युवतियों के वजह से ही हो रहा है। लेकिन चलिए रुकेगी भी नहीं, लेकिन इस लड़की की एक चीज मुझे खुशी हो रही है कि इसने प्रेम किया तो शादी भी कर ली है, कम से कम एक के बन के है, अनेक की बनने की इसकी लालसा नहीं है। देखिए प्रेम तो ऐतिहासिक है ना, प्रेम राधा कृष्ण किए, प्रेम रुक्मणी जी किए, प्रेम सीताराम जी किए, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रेम करता है और शादी कर लेता है और फिर अपने गृहस्थी को खूबसूरत से जी लेता है तो प्रेम कहीं से भी कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन जो प्रेम को तमाशा बना देता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो गलत है। और ये लोग, एक बहुत खुशी की बात है कि ये लोग सेम कास्ट भी हैं। अच्छा। एक होता है ना कि अच्छा, कास्ट को भी लेकर भी कोई मामला बिगड़े, रिलेशन में भी है और ये लोग सेम कास्ट के हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई तकलीफ होने वाली है। शादी तो करना ही होगा, इसलिए मैं इस केस में ज्यादा इस बच्ची को सपोर्ट कर रही हूँ कि चलो फैमिली का ये से ही लोग का प्रेम हुआ, क्योंकि आना जाना लड़का का था, रिश्तेदारी में लड़की पड़ती थी और प्रेम हो गया, शादी कर ली है, इतने तकलीफ में एक बार आई है ससुराल, इसकी ननद इसको मारी है, इसका कपड़ा भी फट गया है, लेकिन फिर भी ये दोबारा हिम्मत करके मुझ जैसी समाज सेवी के सपोर्ट से ही आने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने प्रेम से पूरे परिवार, बिल्कुल रखवाने क्या, मैं इसे रख चुकी हूँ, रख चुकी हूँ, अब दो यही यही रहेगी, कोई रास्ता चलते। देखिए आज का इतिहास है कि पहले शादियां भी हुआ करती थी, अगर लड़का अनजाने में अपने साली के भी मांग में सिंदूर डाल देता था तो पूरा समाज बोलता था कि अब वो लड़की का शादी उससे नहीं होगा। अब ये साली को डाला, सिंदूर का हमारे समाज में बहुत महत्व है, अगर एक बार कोई किसी औरत के मांग में सिंदूर डाल दिया तो उसका वैल्यू है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और ये कानूनन इसकी पत्नी है क्योंकि उसने शादी किया है, शादी जैसे भी हो। अच्छा इनको रख के जा रहे हैं, इनकी ननद जो है बहुत ज्यादा ही, देखिए अगर इसके साथ कुछ भी होता है, मार पीट गाली गलौज किसी तरह का प्रताड़ना होता है, तो यहाँ आपके सरपंच जी नहीं है क्या, गांव के सरपंच जी को बुलाइए तो, और मुखिया जी को बुलाइए, मुखिया जी कहाँ हैं,
बोला ये हाँ हाँ सही बात है, देखिए मैं बाई मिस्टेक कर रही थी, मुझे मुखिया सरपंच के साथ मिलकर और इनको यहाँ रखवा के जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे, जिम्मेवारी लेंगे कि लड़की को कुछ भी किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गार्जियन गलत है तो गार्जियन से उम्मीद क्या करना है। ठीक है, देखिए मुखिया सरपंच को बुलाइए और जो है नारायणी शक्ति फाउंडेशन टीम आके जो है इस लड़की को इस घर में रख रहे हैं, आज से अगर कुछ भी होता है तो इनके जिम्मेदार इनके परिवार वाले होंगे। बाकी